अब और इंतजार नहीं होता। तुमने अपने गांव अपने घर के बारे में इतना कुछ कहा है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर। कमलपुरा के लोग भी बिल्कुल कमलपुरा जैसे ही हैं, कमाल के। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। कुछ चीजें राजी रहे तो अच्छा है। अपनों के बीच घबराने की क्या बात। अप्पू पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। सच है, सच। होश में आओ और देखो मुझे। क्या लगा तुम्हें कि तुम ही मिले थे मुझे शादी के लिए? क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पागल हो तुम, पागल। तुम जानते हो मैंने तुम जैसे आदमी से शादी क्यों की? पैसे के लिए शादी की। लेकिन पैसे में भी ना प्यार चाहिए, तो ये प्यार का नाटक करना पड़ा मुझे। लेकिन अब ये नाटक खत्म। तुम जानते हो लोग क्या समझेंगे? वही जो मैं उन्हें कहूंगी। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी तुम नशे की हालत में धुत थे, तुम्हारा पैर फिसला, तुम ऊपर से नीचे गिरे और तुम्हारी लाइफ खत्म। मैं तो बड़ी जवानी में विधवा हो गई। तुम्हारे सुहाग का चूड़ा मैं तुम्हारे मुंह पे मारती। ये भी, ये भी। पूरी जिंदगी की खुशियों के नाम चर्स। इसी से जलाना तुझे। जल्दी चलो। अरे क्या भाभी, किस बात का बदला ले रहे हो आप? एक टोल से सुनाने के लिए कह रहे हो मुझे? अरे अच्छा खासा डेट नाइट एंजॉय कर रहा था राखी के फ्रेंड्स के साथ। हाँ मेरे होनहार बेटे, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है ना? यस डैड। अरे अरे क्या कर रहा है? आपके इतने बड़े एम्पायर की इतनी मेहनत से कमाए पैसे को कितनी मेहनत से उड़ाता हूँ मैं। हाँ हाँ। तब जाके थोड़ी सी लाइफ एंजॉय कर पाता हूँ। हाँ। मगर आप जैसे बाप, बाप के पैसे हवाई जहाज की तरह उड़ाता है और कहता है कि बाप के। करेक्शन, आपके नहीं, एक भैया के पैसे। डैड देख ऋषभ, डैड रिलैक्स। देखो ना छोटे, पैसे जितने चाहे जब चाहे उड़ा, देखो कौन रोकता है। नहीं एक बात बता, ये जरूरी है कि डैड को देखती तो उनको भी उड़ा दे। I'm sorry dad, भाग पे आपकी इंसल्ट। छोटे दोबारा तूने ये किया ना, I'll kill you यार। अरे ऋषभ भैया जल्दी ऊपर जाओ और आखिरी दिन के लिए जाओ। वो नीचे नहीं आ रही है, आपकी लाडली बहन अपनी एंगेजमेंट के लिए बात करनी हो रही है आपसे। जाओ। मैं तो भूल ही गया, got to go। कलाई पे चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, वो कल गिर गई थी इसलिए लग गई। फिर से? अरे छोटे जाने देना यार, तू जानता है तेरी भाभी कितनी बुद्धू है। पता नहीं दिन भर काम करती रहती है, हाथ पे कहाँ रख देती है। Then what? This? क्यों इतना काम करती है भाभी? ऋषभ भैया आप चाहते हो ना कि भाभी अपना ख्याल रखे, तो एक काम क्यों नहीं करते, इनके लिए प्यारी सी सुंदर सी देवरानी क्यों नहीं ले आते? इससे इनका काम भी कम हो जाएगा और ये अपना ख्याल भी रख पाएगी। ब्रह्म राक्षस, राक्षस जब किसी इंसान की आत्मा किसी जानवर के शरीर के अंदर चली जाती है तो ब्रह्म राक्षस बन जाती है। हाँ वैसे आज तक किसी ने ब्रह्म राक्षस को देखा नहीं, पर वो होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर पूर्णमासी की रात को चांद रोहिणी नक्षत्र में हो और ऐसे समय में कोई जानवर किसी ऐसे इंसान को मार दे जिसकी आत्मा अतृप्त हो, जिसकी चाहते अधूरी हो, तो उस इंसान की अतृप्त आत्मा उस जानवर के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए घुस जाती है, उस जानवर को अपने वश में कर लेती है। उसमें इतनी हैवानी शक्तियां आ जाती है कि उसे वश में करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं होती और वो तुम्हें किडनैप कर लेगा।
नमस्ते नमस्ते भैया, कांग्रेस। थैंक यू। रैना, आज तुम्हारे बाऊजी की मुझे बहुत याद आ रही है। नहीं, वैसे तो वो हमारे यहाँ मैनेजर है, पर असल बात तो ये है कि पूरे घर को भी मैनेज सिर्फ वो ही करते हैं। अरे घर में कोई तीज त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, ऐसे मैनेज करते हैं, सीरियसली। अब माफ भी कर दो बीवी साहिबा, जो उन्हें मैंने बड़े ही गलत टाइम पे दिल्ली भेज दिया। भाई आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आंटी जी, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज मॉम, जस्ट बिकॉज ये हमारे मैनेजर की बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि उनके एब्सेंस में आप इससे काम कराओ। आप भूल रहे हैं, ये मेरी राखी बहन है और मेरे होते हुए मेरी बहन के साथ अत्याचार नहीं होगा। भैया, शायद आप भूल रहे हैं कि आज मेरे भाई की सगाई और वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो सारे काम मैं ही करूंगी। और आप सब देखना, आज मैं मेहमानों की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं भी कोई मैनेजर से कम थोड़ी ना हूँ। गायत्री, शादी इस गाँव में क्यों? क्यों नहीं? अरे राजा महाराजा की हवेलियों जैसा गाँव है, हरे हरे जंगल चारों तरफ, इसीलिए तो आने लिए गांव खरीदना चाहते हैं। इससे मुझे याद आया, आप लोग उस गांव में किसी को जानते हैं? अदरवाइज हम ही लोग स्ट्रेट अवे वहां किसी से कांटेक्ट कर लेंगे। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे साले साहब कई वर्षों से उसी गांव में रहते हैं, वो सारा इंतजाम कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उन्हीं से बात कर रहा हूँ। हाँ साले साहब, तो आप सारा इंतजाम कर लेंगे ना? भाई ये लोग वो जमीन खरीदना चाहते हैं, मुझे लगा आपको इस बात से खुशी होगी। जिया जी, आप तो जानते हैं कि हमारे इस गांव में शादी किस तरह से होती है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि वहाँ शादियाँ होती हैं? हाँ, मगर उसके खतरे भी होते हैं और नुकसान भी। अरे अपने नुकसान के नहीं, फायदे की सोचिए साले साहब। ये लोग वो जमीन खरीदना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? बड़े साहब, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो। लो, आप अभी भी शादी में ही हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि शादी कैसे करनी है, है ना? ग्रेट। जैसे ही मुहूर्त निकलेगा हम आपको पता कर देंगे, ठीक है? सुनिए सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। डैड डैड डैड, गेस व्हाट, शादी की तारीख 10 दिन बाद की निकली है। फैंटास्टिक। अरे साले साहब, सुना आपने? जंगल के पास घर है तो जानवरों की आवाज तो होगी। चूड़ी के बिना लगता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है। पागली हो गई है क्या? मरना चाहती हो? चूड़ा ही तो पहन रही थी। देख, अगर जीना चाहती है ना तो पहनना तो बहुत दूर की बात है, चूड़े के बारे में कभी सोचना ही मत। आज के बाद कभी दुल्हन मत बनना तू। वो क्या है ना, मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर। आप कभी सिंदूर नहीं लगाती, आप कभी मंगलसूत्र नहीं पहनती, बट यू स्टिल लुक सो गुड। मैं नैना से भी यही कह रही थी कि हम भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आपकी तरह बनेंगे। अच्छा लग रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे कमलपुरा में देखना, फैशन का पूरा ट्रेंड ही हम लोग बदल देंगे। नहीं करनी भैया, नहीं करनी मुझे शादी। लेकिन राखी, वो तुम्हारे बचपन का प्यार है, जब तुम छोटी थी तब से। मैं अब छोटी नहीं हूँ। लेकिन राखी, डैड के लिए कोई बिजनेस डील होगी, लेकिन मेरे लिए कोई डील नहीं है। भैया मुझे नहीं करनी है उससे शादी, आप कुछ करिए, मुझे नहीं करनी है। राखी, लेकिन अजय एक अच्छा लड़का है, ही इज अ ग्रेट गाय, प्रॉब्लम क्या है? भैया लेकिन मैं नहीं प्यार करती हूँ उससे, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं कुछ सोचता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ऐसे बीच रास्ते क्या खड़े हो, चलो चलो अंदर चलो। श्याम मिश्री, कैसा है? अच्छा, मैंने सुना मेरी बहन की शादी में ही तुम दोनों की हनीमून ट्रिप है। हाँ यार, अब कमलपुरा में कमाल का हनीमून मनाएंगे और अपनी बहन की शादी भी रचाएंगे। यही पर सारी बातें करोगे? चलो अंदर चलो, कम ऑन। बस तू रूम चल, ठीक है? उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है। एक कहानी मैंने भी सुनी थी, ट्रेन में सवार एक चुड़ैल की कहानी। वो सबको अपने पैरों तले दबाती, कुचलती चलती और अपने पैरों के पीछे
खून से लथपथ लाल निशान छोड़ के आगे बढ़ती जाती। मुझे नहीं सुननी ऐसी स्टूपिड कहानी। ये छोड़ा तेरी, ये चुड़ैल कुछ भी फेंकता है, पैरों के निशान। चिंदी चमेली, बात मत करा, पैसे बर्बाद कर दिए मैंने। बर्बाद बर्बाद तो मैं तुम्हें करूंगी राक्षस। अरे 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 रुको, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। देखा, चुड़ैल भी ऐसे ही चिल्लाती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। फिर से उस पुरानी कहानी को न्योता दे रहे हो, बाहर वालों को गांव मिला रहे हो, यहाँ शादी करवा रहे हो। आप सब जानते हैं ना, जानते हैं ना कि सच आज भी यहाँ है, हमारे गांव के जंगलों में कहीं भटक रहा है। कितनी सी चूक और सब खत्म, सर्वनाश हो जाएगा। वो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा, सबको सबको अपने साथ ले जाएगा। साहब, शहर वालों के लिए वो नहीं, लेकिन वो है। हमने उसे जैसे तैसे कमल के फूल और राजगिरह से अपने वश में कर रखा है। आप उसे फिर से चुनौती दे रहे हैं। आप जानते हैं ना, एक साल पहले उस दुल्हन के साथ क्या हुआ था, 6 महीने पहले भी एक दुल्हन, और अब फिर से दुल्हन आएगी, मतलब फिर से विनाश, फिर से सर्वनाश। और इस सर्वनाश के जिम्मेदार होंगे आप। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ नहीं होने देंगे। ले जाओ उसे उठाकर बाहर फेंक दो। साहब मेरी बात मान लीजिए, वो सच आज भी है। साहब आप गलत कर रहे हैं, वो सच है। साहब वो सच आज भी है। विनाश नहीं आएगा, दुल्हन आएगी। दुल्हन के साथ इस गांव का खरीदार आएगा, ये गांव बिक जाएगा और मेरा वनवास खत्म हो जाएगा। ये गांव मेरे अंदर से निकले न निकले, मुझे इस गांव से निकलना है, बस। वो आ रहे हैं। सर मैं ये पाइपलाइन चला लूं? नहीं, मुझे आग से डर लगता है। एक्चुअली डर से याद आया, हमें अभी बहुत डर लग रहा था। अभी किसी ने फोन करके कहा कि उन्होंने एक बड़े किसी डरावने जानवर को देखा, एक इंसान जो गोरिल्ला जैसा हो। ये सब नहीं होता ना आज के टाइम पे। हो सकता है, खासकर वो इंसान जो एक जंगली जानवर द्वारा मारा गया, उसके पीछे किसी के कत्ल की साजिश हो। खाना तो अभी रेडी भी नहीं हुआ है। खाना बन गया है। पर आप तो भी यही थे ना, खाना इतना जल्दी कैसे बन गया? चलो ना, बहुत भूख लगी है। सर आप भी, ये लोग कौन है? ये यहाँ के मालिक हैं, जो अपनी बीवी से दीवानों की तरह प्यार करते थे। और ये? ये यहाँ के रखवाले, पर मालिक की मौत के बाद इनकी भी मौत हो गई। ये मेरी तस्वीर है। मेरी मौत यहां तब हुई थी जब मैं जगह देखने आया था अपनी बीवी के साथ। जानते हो क्या हुआ था मेरे साथ? किससे बात कर रही थी तुम? ए,
ऐसे चोरी छुपे किससे बात कर रही थी? कहीं रैना ने सुन तो नहीं लिया? नहीं बताएगी? कोई बात नहीं, तेरा फोन चेक कर। नहीं रैना, वो मैं बस किसी से नहीं। आई अंडरस्टूड। तो अकेले में अपने उनसे अकेलों वाली बात कर रही थी, है ना? है ना? कितने लकी आज है भैया, कैसे तू मिली। चलो रखी। और एक ये, इसको जो मिलेगी ना बेचारी बहुत बदकिस्मत होगी। अरे तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो, ठीक है? जाते हुए तुम्हें नजर आती हो, वहाँ भी तुम, यहाँ भी तुम, चल क्या रहा है? ओ हेलो, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ, बाम ढूंढ रही थी, इतनी जोर से मुझे यहाँ। दरवाजा नॉक करके अंदर नहीं आ सकते क्या? एक्सक्यूज मी, ये मेरी बहन का कमरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बहन मेरे भाई से फोन पर बात कर रही थी। इनफैक्ट अजय भैया और राखी को घूमने बाहर जाना है, वो भी अकेले। अकेले का मतलब समझते हो ना? एक्चुअली वो मेरे साथ बात कर रही थी। तो कबाब में हड्डी तुम हो, मुंह। एक सेकंड, एक ही घर में फोन पर बात क्यों? हम तुम्हारी तो चिंदी थोड़ी है, के रुपया खर्च करने पहले सोचे, तुम दिमाग खर्च करके हम पैसे उड़ाते हैं। चल राखी, गांव घूम के आते हैं। ओह नो, अब राखी को अजय भैया से कैसे मिलाऊं? दारू लेके आए तुम लोग? ओ गॉड, लगता है मामले खतरा सूंघ लिया, महाभारत फिर शुरू हो गई। तू रुक, मैं भी आ रहा हूं। भैया लेकिन इतना कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, अरे आप रोक तो सकते थे ना? समझो तो बात को। कैसे नानू? क्या हुआ डैड? अपनी मॉम से पूछो क्या हुआ। घर में शादी है और माँ कह रही है तुम्हारी की क्या दारू शारू नहीं चलेगी। मैंने आपसे कहा था कि गांव में अगर शादी होगी तो गांव के रीति रिवाज के मुताबिक होगी। आपने हाँ कहा था, अब आप मुकर रहे हैं। अरे और तुम दोनों, अरे अरे राक्षस, मुझे ऐसे मत खींचो, मैं कोई बकरी नहीं हूँ। तुम मुझे राक्षस बुलाती हो ना? कभी सुना है राक्षस बकरी को खींच के ले जाता है? तुम्हें राक्षस बुलाती हो ना? ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्यों आई? शायद तुम्हारा वक्त हो गया है। देखते हैं भगवान को भी तुम्हारी जरूरत है कि नहीं। ऋषभ प्लीज शट अप। साहब जी इसमें चल के आ जाइए। पर ये मंदिर के पास नहर क्यों? मैडम जी, भ्रम राक्षस से बचने के लिए। ब्रह्म राक्षस वो सच में यहाँ है? हाँ हाँ मैडम जी। और वो पानी पे नहीं चल सकता? नहीं। वो भी तुम्हारी जेरॉक्स कॉपियों से भी पानी से डर लगता है। आंखें खोलो, धूप को देखो। ए, मुझे पानी से डर नहीं लगता। हाँ मुझे ऐसे क्रॉस करने से थोड़ा अजीब लगता है। हाँ श्याम भैया आइए जल्दी आइए। अरे श्याम, तू तो मार्केट गया शादी का सामान लाने के लिए, यहाँ क्या कर रहा है? मैं गया था ना, वो वर्कर्स के हाथों मैंने सामान भिजवा दिया था। अरे अरे रुकिए ना, उन्हें आने दीजिए ना। अरे मैडम जी, अब इसकी जरूरत वहां है मंदिर में। अरे अशाम भैया आ जाइए ना। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। सुनिए भैया। अरे वो श्याम है, श्याम राक्षस जो पानी से डर जाएगा, है ना श्याम? कम श्याम आ जा। अरे नहीं श्याम भैया, आप आ जाइए, आप जल्दी आइए, आप डरिए मत, हम है ना इस तरफ, आप बस आ जाइए ना श्याम भैया। अगर मैंने इस पानी में पैर रखा तो आज मेरा असली चेहरा इन दोनों के सामने आ जाएगा। इन दोनों को पता चल जाएगा कि श्याम तो कब का मर चुका है। सोच क्या रहा है, आ रहा हाथ पकड़ मेरा। आ जाइए श्याम भैया, मुझे भी अजीब लगा था पर मैं आ गई ना, आप भी आ जाइए। भाइयों, हम सबको अपनी अपनी जान बचानी है। वो राक्षस फिर से अपनी हरकत पे आ गया है, हमें संकेत मिल गया है। और अगर हम लोग यूं ही हाथों पे हाथ डाल के बैठे रहे तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बिरजू पर आदित्य साहब, इसी में हम सब की भलाई है सरपंच साहब। गुंडा है पर सही बोल रहा है। लो आ गई पगली, मरी हुई से तो पगली अच्छी है। देखो हमें खतरा बढ़ने से पहले हमें उसे शांत करने का उपाय ढूंढना होगा, वरना संकट हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। अब तू बोलेगी कि पूजा करो, पूजा से कुछ नहीं होगा। सरपंच साहब, हमें इससे भी बड़ा कुछ करना होगा। नहीं लाखन, फैसला अब सरपंच साहब को ही करने दो ना कि क्या करना है।
आखिरकार इनकी बहू के कदम ही तो उस राक्षस को वापस लाए हैं। अब यही मोड़ेंगे उसके कदम। बिरजू बिरजू खामोश हो जाओ, हम पूजा करेंगे ना, बड़ी शांति से करेंगे, लेकिन आदित्य साहब को पता नहीं लगना चाहिए। सारी गलती तेरी है, ये पहले ही समझा देना चाहिए था अपनी जोरू को। अगर तू पहले समझा देता तो ये सब नहीं होता। भैया भैया, गांव वाले ये क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस के लिए पूजा की जा रही है? भैया, इससे पहले तो बलि चढ़ाई जाती थी, अभी बलि चढ़ाई जाएगी क्या? वो राक्षस वापस आ गया है। आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं भैया? मैंने आपसे साफ साफ पूछा था कि इस गांव में खतरा है या नहीं, आपने झूठ बोला ना मुझसे। क्या वो राक्षस सच में वापस आ चुका है? एक मिनट, तुम्हारे समधी इस जगह को खरीदना चाहते थे, ये जमीन, ये पूरा का पूरा गांव। अरे वो खरीद भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उनके लिए तो एक घूमने की जगह होगी ना, छुट्टियां मनाने आएंगे और चले जाएंगे। हो सकता है आगे चलकर वो ये जगह बेच भी दे। हमें तो पैसों की सख्त जरूरत है ना। आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं? आप क्यों भूल रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हैं इस जगह पर। मोहित, तुम्हें एक बात पता नहीं है, इस गांव को शहर बनाने की प्लानिंग चल रही है। अरे ये सारी की सारी मिल्कियत बिक जाएगी, यहाँ पर बड़े बड़े होटल, इंडस्ट्रीज, टावर्स खड़े हो जाएंगे, इस गांव का भला हो जाएगा। सच में वैसे जैसे 20 साल पहले हुआ था, और आपको ऐसा लगता है ये जमीन ये बिक जाएगी? मोही, अब इस बात की बहस छोड़ो, हमारे बच्चे इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, और धीरे धीरे शहर के लोग भी इस पर यकीन करना छोड़ देंगे। और वो राक्षस बहुत, अरे तू कितनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है, बहुत भोली है मेरी बहना, बहुत भोली है तू। वाह भैया, मैं अपने पति को पीने से कैसे रोक सकती हूँ भैया, जबकि मेरा अपना भाई पी रहा है, वो भी इस गांव में रहने के बावजूद। एक तो मर्द जात, उसके ऊपर ये बीहड़ गांव, आदमी दारू नहीं पिएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। और तुमने एक बात देखी, हमारे घर के बाहर जो कमल के फूल लगे हुए और ढेर सारे राजगीरा भी लगे हुए, अरे वो यहाँ आ ही नहीं सकता है। चूड़िया चूड़िया सब पूछेंगे, उतार देती हूँ। राखी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी। जो चाहिए था मिला कि नहीं? मिला भैया, लेकिन ला नहीं पाई। अजय, तुम राखी को लेके घर जाओ, मॉम बहुत गुस्से में है, मैं रैना को ढूंढता हूँ। ओके ओके भैया। चलो राखी, ये चिंदी चमेली किस जंगल में फूल खिलाने गई है?
बंद आंखें तो खोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा यहाँ राक्षस है। राक्षस तो है यहाँ पे। कहाँ? मेरे ऊपर। अपनी शक्ल तो देखो राक्षसी। अरे तुम्हारे होते हुए कोई दूसरा राक्षस क्यों आएगा यहाँ? मुझे लगा यहाँ राक्षस है। अच्छा तो जाओ ढूंढ लो, देखो कहीं किसी अलमारी के नीचे तो नहीं छुपा है। तुमने मुझे गिराया, रुक जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? किसके चीखने की आवाज थी? हमारी हवेली में 24/7 चलती फिरती घूमती नाचती गाती राक्षसी की, जो इस घर के हर कोने में हर जगह हमेशा दिखाई देती है, अपनी चिंदी चमेली। क्या हुआ रहना, तुम चिल्लाई क्यों? मैंने राक्षस देखा। राक्षस? अरे इसने मुझे देखा, किचन में मुझे देख कैसे चिल्लाई जैसे? नहीं, मैंने गांव में राक्षस देखा। देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इस गांव में कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। है, जैसी कहानी आपने हमें गांव में बताई ना, बिल्कुल वैसा ही राक्षस। अनिल, आप बच्चों को ये हॉरर स्टोरी सुना सुना के क्यों डरा रहे हो? रहना क्या देखा था तुमने? राक्षस, वो हम दोनों का पीछा कर रहा था। दोनों मतलब और कौन था साथ? ऋषभ और मेरा, और उसके आने की भारी भर का आहट सुनी मैंने। और आपको पता है, जब उन लोगों ने मुझे बेहोशी की दवाई दी और मुझे नेट पर उल्टा टांगा, तब वो आया था और जोर से गरजने की आवाज आई, जैसे बिजली चमकती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अरे वो मैं चमक रहा था, मेरी बाइक गरजी थी, मेरी बाइक की आवाज थी वो। नहीं। हाँ हाँ, वैसे भी बाइक की आवाज तो राक्षस से कम नहीं होती है ना? नहीं, वो राक्षस था। लगता है तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी तरह चिंदी चिंदी हो गया। देखो तुमको जितना डरना है डरो, लोगों को मत डराओ, ठीक है? और वैसे भी तुम्हारी फेवरेट गन है ना, उसे निकालो, ये कमल का फूल इसे गले पे लगा लो। राक्षस तो राक्षस, कोई इंसान भी तुम्हारे पास आने से डरेगा, हर कोई सोचेगा इस गांव में चिंदी कमेली कहां से आ गई। भैया ये सब क्या हो रहा है इस गांव में? देखो उसे बेहोशी की दवाई दी गई थी, उल्टा लटकाया गया था, उसे होश भी नहीं था। अरे हमें क्या पता, हमें क्या, उसे भी नहीं पता कि उसने असल में क्या देखा है ना? मगर मैं जानता हूँ कि मैं हॉट चॉकलेट अपनी स्वीट प्यारी सी मॉम के लिए ले जा रहा था, मगर इस चिंदी चमेली ने चिंदा सा कांड करके सब। देखो रैना, तुमको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कल सरपंच को यहाँ बुलाया है, हम उन गुंडों को पकड़कर उन्हें ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी में दोबारा वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आप लोग यहाँ गाँव में शादी के माहौल में आए हैं, मेरा कहना है कि आप लोग खुश रहिए, मजे कीजिए, खुशियां मनाइए। हाँ, इस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभार शैतान बन जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।